Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is all about how to style white shirt. So सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्कर्ट आइटम से. मैंने पहले लिया है ये ब्लैक पेंसिल स्कर्ट जो कि मैंने सीन से लिया था और एक ऑफिस वेयर लुक क्रिएट करने के लिए इसके साथ मैंने पेयर अप किया है सिंपल सैंडल और इसको आप और थोड़ा एनहांस करने के लिए एक श्रग भी ऐड कर सकते हैं. और एक चीज भी आप इस टाइप के श्रग भी ऐड कर सकते हैं गाइस, जैसे कि मैंने व्हाइट शर्ट पहना है तो उसमें व्हाइट पार्ट है जैसे, तो इस श्रग में भी व्हाइट पार्ट ज्यादा खिल के आ रहा है सो मैंने वो भी कंबाइन किया है. तो आप ऐसे इसमें आप अभी मल्टी कलर रेड कलर ज़्यादा मत लीजिए, जितना कम कलर होगा उतना ऑफिस वेयर आइटम में अच्छा लगता है. और नेक्स्ट जो लुक है उसमें मैंने एक लॉन्ग स्कर्ट के साथ व्हाइट शर्ट को इस तरह से पेयर अप किया है. इसमें मैंने एक बेल्ट भी लिया है, एक साइड इन हुआ है तो एक साइड खुला छोड़ दिया है, उसके ऊपर बेल्ट टाई किया है. तो ये एक वन टाइप बोबो टाइप का लुक मुझे लगा, तो आई लाइक दैट लुक. इस वीडियो में कौन सा लुक आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और नेक्स्ट जो लुक है इसमें मैंने एक पूरा फ्लोर लेंथ का स्कर्ट लिया है और इसमें भी मैंने एक बेल्ट ऐड किया है और व्हाइट शर्ट पहना है क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टी कलर है तो ज़्यादा मैं कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती थी. स्कर्ट के साथ मैच करके एक श्रग डाला है जो कि स्कर्ट में भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा रेड व्हाइट प्रिंटेड है. तो उसके साथ मैंने ये इयर रिंग्स ऑक्सीडाइज इयर रिंग बूट्स और स्टफ को ऐड किया है. नेक्स्ट जो लुक है वो बहुत ही बेसिक लुक है, ये सिंपली क्लासी लगता है मुझे और संडे ब्रंच आउट के लिए मस्त है. आप इजीली कैरी कर सकता है कोई भी. और इसके साथ मैंने सनग्लास ऐड किया है और ये स्लीवलेस ड्रेस था तो उसके ऊपर मैंने व्हाइट शर्ट को ऐड कर दिया. चलते हैं फिर जीन्स की और. आजकल मुझे पता नहीं शर्ट को इस टाइप में इन करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक साइड इन करो एक साइड खुला छोड़ दो, सिंपली स्टाइलिश लगता है. और इसके साथ मैंने कोई बूट ऐड किया है. इसके साथ आप एक और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना कर्व एसेंशिएट करने के लिए बेल्ट ऐड कर सकते हैं और अगर आपका नाइट आउट है, आपको कहाँ पे राइड के लिए रात को निकलना पड़ रहा है, आप एक लेदर जैकेट पहन सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आप इसके साथ ये ना पहने ये ऑफिस लुक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है. व्हाइट ब्लैक के साथ आई थिंक एवरीथिंग आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. फिर एक इंडो वेस्टर्न टच देने के लिए मैंने व्हाइट शर्ट के ऊपर एक एथनिक जैकेट मैंने पहना है. ये मैंने कमर्शियल स्ट्रीट से लिया था, बेंगलोर का कमर्शियल स्ट्रीट लाइक सरोजिनी नगर ऑफ बेंगलोर, वहाँ से मैंने खरीदा था. आई थिंक 650 समथिंग का ये जैकेट और इसको मैंने ऐसे ही स्टाइल किया है जैसे कि मैंने बताया कि आजकल मुझे ये स्टाइल अच्छा लग रहा है. बताइए आप लोग मुझे कमेंट करके कि ये सूट कर रहा है या अच्छा लग रहा है या नहीं. फिर मैंने वही डेनिम्स जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट को पेयर करके एक ऑक्सीडाइज नेकलेस डाल दिया है, उसके ऊपर एक लॉन्ग स्कर्ट. ये एक मस्त लुक लगता है मुझे गाइस, और ये लुक क्रिएट करने के बाद लगता है कि आप कहाँ पे और कुछ चाहिए नहीं, आप रेडी हो गए.
बाद मैंने इसी जींस के ऊपर एक हाफ जैकेट डाला है, वेस्ट जैकेट डाला है, जो कि ये भी एक मस्त कम्बिनेशन है। आप जींस देख सकते हैं और जैकेट देख सकते हैं, वो मैच कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप जज करना चाहिए गाइस। आप कभी भी कुछ भी पहन रहे हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, उसके साथ आप मिक्स एंड मैच कीजिए। लेकिन थोड़ा शटल कलर वो सेम सेम दिखे तो वो ना अच्छा लगता है। इसके साथ भी मैंने एक डेनिम जैकेट डाल दिया, और डेनिम जैकेट के साथ भी ये अच्छे से जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अभी कूलर्स ट्राउजर ट्राइज होते हैं। और सबसे पहले मैंने ये कूलर्स ट्राई किया, ये हाफ कूलर्स है, और मैंने सैंडल बेसिक सैंडल रखा है, स्ट्रैपी सैंडल, जो कि मैंने अपने बेल्ट के साथ मैच किया है। फिर इसके बाद मैंने ट्राउजर मैंने मैच किया है अपने हेड के साथ, ये मैंने लिया था उत्तरा से। मेरा एक हॉल वीडियो भी है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने मेंशन कर दिया है लिंक। इसके साथ मैंने मैच किया अपना हेड, जो कि परफेक्टली जा रहा है, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। मैंने सोचा था कि ब्लैक स्ट्रैपी सैंडल डालूंगी, लेकिन ब्लैक कलर स्ट्रैपी सैंडल मेरे पास नहीं है। आप पहनेंगे तो ब्लैक पहनेंगे सैंडल में बल्कि कर देंगे। नेक्स्ट जो लुक है वो बेसिक प्लाजो लुक, जो कि इजी वीजी आउटगोइंग के लिए अच्छा है। यहाँ पे ऐसे निकलना है, अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है, कहाँ जाना है, ट्रैवल करना है, तो मुझे प्लाजो बहुत पसंद है। इस टाइप का लुक मैं मैक्सिमम टाइम क्रिएट करती रहती हूँ। इसके साथ मैंने भाई एक ऑक्सीडाइज नेकलेस डाल दिया है, और सिंपल ईयर रिंग्स, और दैट्स इट। रेड प्लाजो एंड वाइट कम्बिनेशन का ऑलवेज वॉकिंग लुक। इसके साथ भी मैंने भाई रेड वाइट जो श्रग था मेरा, उसको मैंने पहना है। ये ऐसा टाइप का श्रग और ये ऐसा टाइप का कुर्ती बहुत सारा मिंत्रा और जॉबों में अवेलेबल है, सो आप वैसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से लोकल स्टोर से लिया था, तो नो लिंक इज हियर गाइस। And the last look is experiment with sari with white shirt. This is the basic sari of mine. और मैंने इसको white shirt के साथ इसलिए pair किया है क्योंकि इस sari में आप देख सकते हैं कि white part ज़्यादा है, तो ये match कर जा रहा था अच्छे से मेरे sari के साथ, तो मैंने इसको match किया है। थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए एक सेकेंड मैंने टाई किया है एक बेल्ट, और बेल्ट लगाने के बाद आप देख सकते हैं गाइस कि ये लुक और थोड़ा अच्छा लगने लगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। अगर हेल्पफुल रहा या फिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और इंस्टाग्राम में अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो अपना लुक भी क्रिएट करके प्लीज़ मुझे टैग कीजिएगा। ओके गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से, टिल देन बाय बाय।